How are you all? Hope you all are doing great. So guys, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले क्योंकि आज के वीडियो पे ना एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स. सो यस, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना. नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द इंट्रो. प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स. शुगर कॉस्मेटिक्स हैज लॉन्च देयर न्यू मस्कारा व्हिच इज कॉल्ड शुगर कॉस्मेटिक्स ब्लैक लैश वॉल्यूमनाइजिंग मस्कारा एंड दिस इज द आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग. इट कम्स इन वन शेड. यस, इट कम्स इन जस्ट ब्लैक कलर एंड दिस इज द आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग. आई होप यू कैन सी इट. यस, दिस इज द पैकेजिंग. शुगर कॉस्मेटिक्स का जस्ट द यूजुअल पैकेजिंग होता है वैसा ही पैकेजिंग है. पैकेजिंग के यहाँ पे सारे डिटेल्स मेंशन किया हुआ है. इट रिटेल्स फॉर $4.99 एंड यू आर गेटिंग 6.5 ml ऑफ प्रोडक्ट. उसके साथ साथ यू आर गेटिंग शेल्फ लाइफ ऑफ 36 months विच इज आई थिंक क्वाइट स्टैंडर्ड एंड क्वांटिटी भी स्टैंडर्ड ही है. सो दिस इज द आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग एंड इफ आई शो यू द इनर पैकेजिंग, इनर पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस. शुगर कॉस्मेटिक्स का एज फार एज आई रिमेंबर ऐसा सेम पैकेजिंग में और एक मस्कारा उन लोगों का है बट उसका प्राइस शायद 499 नहीं है, उसका प्राइस है 599. आई थॉट कि पैकेजिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा बट पैकेजिंग सेम ऐसा ही है. एंड आप लोग देख सकते हो इट्स अ स्क्वायर पैकेजिंग. पैकेजिंग पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एंड पैकेजिंग पे कहीं पे भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट ये सब कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है. एंड व्हेन यू ओपन इट दिस इज हाउ द स्पूली लुक्स. एज यू कैन सी स्पूली नॉर्मल ऐसा ही दिखता है, ऐसा नहीं है. मतलब स्पूली देख के ना मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गई थी क्योंकि मुझे नहीं लगा था इतना ज़्यादा वॉल्यूम देगा क्योंकि शुगर कॉस्मेटिक्स का पहले भी मैंने मस्कारा ट्राई किया है एंड मेरा दो मोस्ट फेवरेट मस्कारा है. एक है डुअल एंड करके जो जिस पे दो एंड है वो वाला वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एंड आई थिंक दिस इज द एंड आई थिंक दैट वन इज द रेयर ब्यूटी मस्कारा ड्यूप. एंड उसके साथ साथ शुगर कॉस्मेटिक्स का और एक मस्कारा लॉन्च हुआ था जो कि वॉल्यूम लेंथनिंग दोनों ही प्रोवाइड करता था. उसका प्राइस था 699. दैट वन इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट. दैट वन इज एक्चुअली रियली गुड बट दिस वन मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था. अभी मैं वीडियो पे आप लोग को आगे दिखाने वाली हूँ कैसा ये इफेक्ट दे रहा है. मैंने लैशेस को कर्ल किया है, कर्ल करना पड़ा बट वो सारे जो पहले वाले जो मस्कारस थे ना जो मेरे फेवरेट है शुगर कॉस्मेटिक्स का, डुअल एंड वॉल्यूम एक था और एक था शुगर कॉस्मेटिक्स का आई एम रियली सॉरी आई कॉन्ट रिमेंबर द नेम बट मैं यहाँ पे पिक्चर अटैच करके दे दूँगी. तो ये दोनों मस्कारा के टाइम पे मुझे वॉल्यूम मतलब लैशेस को कर्ल नहीं करना पड़ा. मैंने डायरेक्टली मस्कारा ही अप्लाई किया था बट इस पर मुझे कर्ल करना पड़ा, फिर भी ऐसा इफेक्ट आया है. द इफेक्ट इज़ गुड, द इफेक्ट इज़ गुड बट नॉट दैट मच सरप्राइजिंग की ओ माई गॉड सुपर सरप्राइजिंग नो. सो अभी मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ कैसे इसको यूज़ करना है, क्या ये वाटर प्रूफ है एंड क्या ये ट्रांसफर प्रूफ है वो अभी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ. यस, इट इज़ ट्रांसफर प्रूफ बट इज इट वाटर प्रूफ अभी मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ. एंड ये उन लोगों ने बोला है कि इट विल रिमूव सुपर इजीली बिकॉज इट इज़ सुपर लॉन्ग लास्टिंग एज दे हैव मेंशनड. एंड मैंने और एक चीज़ जो नोटिस किया है ये इसको आप लोग ज़्यादा अप्लाई करते हो ना तो आपके जो है ना लैशेस थोड़ा सा क्रम्पी हो जाता है जो कि मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा. एंड क्या है सच में इजीली माइसेला वाटर से रिमूव होता है एज दे हैव मेंशन वो भी हम लोग टेस्ट आउट करने वाले हैं अभी. We'll be right back.
गाइस अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कितना इजीली रिमूव होता है। तो मैं यहाँ पे माइसेल वाटर माइक्रोफाइबर टॉवल पे ले लिया है एंड लुक एट दिस कितना इजीली रिमूव होता है। बहुत ही जेंटल तरीके से मैंने इसको रिमूव किया है एंड इजीली रिमूव भी हो गया था। सी कितना इजीली रिमूव हुआ है। एंड दूसरे आइस पे मैं भी वाटर लगा रही हूँ, वाटर लगा के थोड़ा सा इसको रगड़ रही हूँ एंड लुक एट इट गाइस लुक एट दिस। सो यस ये वाटर प्रूफ नहीं है बिकॉज ये वाटर से भी इजीली रिमूव होता है। उन्होंने तो वीडियो पे देख ही लिया कि कैसे इसको मैंने अप्लाई किया है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई रियली एक्सपेक्टेड सो मच एंड मैंने सोचा था शायद ये वाटर प्रूफ भी होगा बिकॉज गर्मियों के टाइम पे हम लोग स्वेट बहुत ही ज़्यादा करते हैं। स्पेशली मेरी तरह जो लोग ऑयली स्किन टाइप है उन लोगों को स्वेट ज़्यादा आती है एंड स्वेटिंग के टाइम पे इस एरिया पे ऑयली जोन या एरिया पे यहाँ पे अगर स्वेट आ जाता है तो मस्कारा इधर उधर हो जाएगा गर्मियों के टाइम पे। तो आई थॉट कि ये वाटर प्रूफ होगा बट दिस इज़ नॉट वाटर प्रूफ विच इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग बट इट इज़ ट्रांसफर प्रूफ एंड इट इज़ लाइक नॉट टू मच लॉन्ग लास्टिंग। इट इज़ लाइक ओके ओके लॉन्ग लास्टिंग यू नो इफ़ यू आर गोइंग आउट फॉर 2 to 3 hours यू कैन अप्लाई दिस वन बट आई थिंक यू कैन अवॉइड दिस वन। अभी मैं आप लोग को एक एक करके प्रोज एंड कॉन्स दी बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोज की बात करें आई लव दैट शुगर कॉस्मेटिक्स ने थोड़ा सा अफोर्डेबल रेंज पर एक मस्कारा निकाला है। ऑल दो दूसरे ब्रांड से इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा ही है लाइक 499 दूसरे ब्रांड्स पे। स्पेशली आप लोग स्विस ब्यूटी या फिर मार्स कॉस्मेटिक्स पे देख लो उन लोगों का मस्कारा 200 to 300 रुपीज़ के अंदर ही आता है बट इसका प्राइस है 499 मतलब 500 ही पकड़ लेते हैं। ऑल द शुगर कॉस्मेटिक्स के हिसाब से इसका प्राइस कम है बट स्टिल सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रो। ऑल्सो आई लव द पैकेजिंग, मुझे पैकेजिंग काफ़ी स्लीक काफ़ी अच्छा लगा एंड ऑल्सो रियली डार्क मतलब ऐसा नहीं है मतलब द शेड इज़ रियली डार्क एंड ऑल्सो इट इज़ रियली पिगमेंटेड। सो ये ही बस प्रोस की बात लगी एंड कॉन की अगर बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पैकेजिंग पे कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट कुछ भी मेंशन नहीं है इनर पैकेजिंग पे। तो आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग फेंक देंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। सेकेंड ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट वाटर प्रूफ तो गर्मियों के टाइम पे शायद मैं इसको अवॉइड करने वाली हूँ बिकॉज आई वॉन्ट सम मस्कारा विच विल बी वाटर प्रूफ बट विच वॉन्ट क्रैम्प माई लैशेज एज वेल। बट ये मस्कारा से मेरे लैशेज ज़्यादा क्रैम्प हो रहे थे अगर मैं 3 to 4 coats अप्लाई कर रही थी उस टाइम पे 2 coats पे ही क्रैम्प आ रहा था। सो आई डोंट लाइक दैट फीलिंग मेरे लैशेज काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प हो रहे थे एंड ऑल्सो मुझे इसका वॉन्ड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा जो ये स्पूली है ना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। आई डोंट नो वाई दे हैव नेम्ड इट वॉल्यूमनाइजिंग मस्कारा बिकॉज दिस वॉन्ड आई डोंट थिंक इट विल गिव यू दैट मच वॉल्यूम। प्रोस पर एक चीज़ थे येस इट विल इट रिमूव सुपर ईजिली मतलब माइसेल वाटर से या फिर नॉर्मल वाटर से वॉश हो जाता है। सो येस इट रिमूव सुपर ईजिली और एक चीज़ ये आपके लैशेज को डैमेज भी नहीं करने वाला बिकॉज इट रिमूव सुपर ईजिली। बट ऐसा नहीं है वाटरप्रूफ मस्कारास आपके लैशेस को डैमेज करते हैं बिकॉज मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मस्कारा है जिसको मैं ऑलवेज जब भी बाहर जाती हूँ अप्लाई करती हूँ जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ ऑलवेज उसको अप्लाई करती हूँ विच इज़ द मेबलिन लैश पैराडाइज मस्कारा। दिस वेरियंट इज़ माई फेवरेट बिकॉज ये लैशेज को बहुत देर तक ऐसे लेंथिंग भी प्रोवाइड करते हैं उसके साथ साथ बहुत लॉन्ग लास्टिंग है लिटरली मेरे लैशेस को क्रैम्प नहीं करता है एकदम मेरे आईज पे अनकंफर्टेबल फील भी नहीं होता। सुपर लॉन्ग लास्टिंग भी है एंड ये इजीली रिमूव भी होता है माइसेल वाटर से या फिर मेकअप रिमूवर से बट सो दिस इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट। सो आई डोंट नो मतलब ये मस्कारा मेरा उतना ज़्यादा काम नहीं आने वाला है। सो इफ़ यू वॉन्ट रिकमेंडेशन आई वुड से स्किप दिस वन बिकॉज शुगर कॉस्मेटिक्स पे इससे अच्छा मस्कारा है। आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करके अच्छा वाला मस्कारा खरीद सकते हो। मैं दोनों का ऑप्शन यहाँ पे दे दूंगी जो दो मेरा फेवरेट है एंड आई थिंक दे गिव यू अमेजिंग वॉल्यूम। सो येस यू कैन स्किप दिस वन। So yes guys that is all for today's short review about this newly launched mascara from Shugar Cosmetics and if you like this video please don't forget to like share and comment down below your thoughts and opinion and also guys if you are new to my channel please don't forget to subscribe and also don't forget to hit the bell notification just next to the subscribe button so that whenever I will post a video you will get notified. So yes guys that's it. I'll see you in my next video. Till then bye bye and take care.